चीनी वजीर खारजा वांग यी अमरीका के दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। वांग यी ने अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चीनी वजीर खारजा ने कहा, चीन और अमरीका के इख्तलाफात के बावजूद मुश्तरक मफादात है। दोनों ममालिक को गलत फहमियों को कम करने के लिए जामे मुकालमे की ज़रूरत है। अमरीकी वजीर खारजा से बातचीत तामीरी और मुस्तकबिल के हवाले से होगी। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी हमनसब को दौरा वाशिंगटन की मुबारकबाद दी और खुशामदीद कहा। चीनी वजीर खारजा की अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात मुतवक्के है। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना है कि चीन और अमरीका के दरमियान मौसल फौजी राब्तों की बहाली समेत दीगर उमूर पर बात होगी। बहिरा जनूबी चीन मशरक वस्ती की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। चीनी वजीर खारजा वांग यी अमरीका के दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। वांग यी ने अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चीनी वजीर खारजा ने कहा, चीन और अमरीका के इख्तलाफात के बावजूद मुश्तरक मफादात है। दोनों ममालिक को गलत फहमियों को कम करने के लिए जामे मुकालमे की ज़रूरत है। अमरीकी वजीर खारजा से बातचीत तामीरी और मुस्तकबिल के हवाले से होगी। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने चीनी हमनसब को दौरा वाशिंगटन की मुबारकबाद दी और खुशामदीद कहा। चीनी वजीर खारजा की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना है कि चीन और अमरीका के दरमियान मौसल फौजी राब्तों की बहाली समेत दीगर उमूर पर बात होगी। बहिरा जनूबी चीन मशरक वस्ती की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा।